सब्जियों के लिए हमें लगता है कि ये सब्जियां तो बिना प्याज और लहसुन के स्वाद बन ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा है नहीं। किसी भी सब्जी को स्वाद बनाने के लिए उसमें लहसुन और प्याज को ऐड करना जरूरी नहीं है। तो आज ऐसी ही एक सब्जी बनाते हैं, लेकिन बिना प्याज और बिना लहसुन के, और ये सब्जी इतनी स्वाद बनेगी कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेहा स्पाइस गली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत स्पेशल सफ़ेद छोले की रेसिपी। क्योंकि ये व्रत स्पेशल रेसिपी है, इसलिए मैंने इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है, लेकिन बिना प्याज लहसुन के भी ये बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं नो अनियन नो गार्लिक सफ़ेद चने की रेसिपी। नो अनियन नो गार्लिक छोले बनाने के लिए मैंने 1 कप छोले लिए और इन्हें मैंने 5-6 बार अच्छी तरह पानी से धो लिया और फिर इन्हें रात भर पानी में भिगो के रखा है। और ये रात भर पानी में भिगोने से ये काफी फूल भी गए हैं। अगर आप रात भर नहीं भिगोना चाहते तो कम से कम 8 घंटे इन्हें जरूर भिगोइए। अब मैं इन्हें एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर करूंगी और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप चना दाल, जिसे मैंने धोकर 20 मिनट के लिए भिगोया था। चना दाल डालने से इस ग्रेवी को एक अच्छा गाढ़ापन मिलेगा। अब हमें इन्हें उबालने के लिए पानी ऐड करना है, तो यहाँ मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक और उसी के साथ मैंने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी डालने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसे हाई हीट पर 5 सीटी दिलाएंगे और फिर हीट को कम करके इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। और ये देखिए, हमारे छोले उबल कर एकदम तैयार हैं, एकदम गल चुके हैं और सब्जी बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आपके छोले अभी कच्चे हैं तो आप उन्हें 1-2 सीटी और दिला दीजिए। अब हमारे छोले उबल कर तैयार हैं, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो है छोले के लिए उसका तड़का तैयार करना। तो छोले के तड़के के लिए मैंने एक पैन में 3 चम्मच तेल गरम किया है और फिर मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं। तो यहाँ मैंने डाली है लौंग, दालचीनी, काली इलायची, तेजपत्ता, स्टार एनाइस और इन मसालों को मैंने कुछ सेकंड्स के लिए सौते किया है। और फिर मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून जीरा। जीरा को भी कुछ सेकंड्स के लिए सौते करेंगे और जब ये चटकने लगेगा फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक को भी हमें कुछ सेकंड्स के लिए सौते करना है। इसे हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए सौते करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च डालने के बाद फिर मैंने इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए सौते किया है और इस समय फ्लेम बिल्कुल लो है। जब ये अदरक और हरी मिर्च पक जाएंगे, मतलब अदरक जब हल्का ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 5 बड़े टमाटर लिए हैं और इन्हें मैंने बारीक काट करके इसमें डाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हमने सब्जी में प्याज ऐड नहीं कर रहे हैं तो इसकी ग्रेवी को बेस देने के लिए हमें ज्यादा टमाटर की जरूरत है। अगर यहाँ पे टमाटर कम होंगे तो उसमें ग्रेवी अलग हो जाएगी और छोले अलग हो जाएंगे और वो सब्जी खाने में मजा नहीं आएगा। हम इन्हें 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। हमने छोले उबालते हुए भी नमक डाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से नमक डालें। नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच छोले मसाला। ये सारे मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनट के लिए पकाना है, या तब तक पकाना है जब तक कि इन मसालों का कच्चा पन्ना निकल जाए। अभी मैंने इसमें 2 कड़छी भर के जो छोले उबालते समय पानी बचा था वो डाला है। अगर आपको लगे किसी भी स्टेज पर कि सब्जी नीचे लग रही है या ड्राई हो रही है, तो उस समय आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब इस तड़के में से तेल अलग होना शुरू हो गया है, मतलब कि ये टमाटर एकदम पक चुके हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी उबले हुए छोले। छोले डालने के बाद उन्हें टमाटर के तड़के में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी कम है तो आप यहाँ पर पानी और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इस ग्रेवी को एक अच्छा बेस मिले और जब हम इसे सर्व करें तो ऐसा नहीं हो कि छोले अलग हो रहे हैं और ग्रेवी का पानी अलग हो रहा है। अब इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो गई है, तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसे एक बार मिक्स किया है। ये गरम मसाला घर का बना हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ ताज़ा हरा धनिया। धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस हमारी बिना प्याज लहसुन वाली छोलों की सब्जी एकदम तैयार है। ये छोलों की सब्जी आप अपने व्रत में बना सकते हैं, किसी भी पूजा के लिए बना सकते हैं और इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठा, रोटी, राइस किसी के भी साथ सर्व कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगती है। और ये सब्जी खाकर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला हुआ, क्योंकि ये सब्जी है ही इतनी टेस्टी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये बिना प्याज लहसुन वाली छोलों की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे एक थम्स अप जरूर देंगे। इसी तरह की और इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल नेहा स्पाइस गली को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।